हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक हेड उठा रहा हूँ। ये हेड गैसकेट इसका जल गया है। ये गाड़ी बहुत हीट होता था और इसका साउंड है, वो साउंड भी चेंज हो गया था। अभी ये ड्यूज का इंजन है, 4 सिलेंडर। हेड को मैं पॉलिश के लिए भेजा हूँ क्योंकि वो डैमेज था थोड़ा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसलिए पॉलिश के लिए दिया हूँ हेड को। हेड पॉलिश होगा, प्रेशर चेक करके आएगा, उसके बाद मैं फिटिंग करूँगा। हाँ, फिटिंग करने के बाद कैसे इसका टैपिट मिलाया जाता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, और आप देख सकते हैं कि इसका टैपिट कैसे सेट किया जाता है। ड्यूज इंजन है, मेड इन जर्मन का, और ये 4 सिलेंडर का है। ये इसका स्टॉपर स्विच बोला जाता है, स्टॉपर स्विच है ये। अगर ये स्टॉपर स्विच ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं आएगा। इसके अंदर एक रेक है, रेक है इसके अंदर से, ये इसको ओपन करता है। अंदर में रेक है, ओपन नहीं करेगा तो डीजल इधर से नहीं सप्लाई करेगा इंजेक्टर को। अगर वो ख़राब हो जाएगा ये, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और इसका ये डीजल पंप है, और ये फिल्टर है, डीजल फिल्टर। ये मेन लाइन है, मेन लाइन आ रहा है, ये पंप इसको सब दे रहा है फिल्टर करके। उसके बाद इधर से ये पंप को दे रहा है, पंप इंजेक्टर को देगा। हाँ, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हेड आता है। उसके बाद मैं फिट करने के टाइम कैसे टाइपिट सेट किया जाता है इसका, मैं आप लोग को अपलोड करके दिखाऊंगा। मेरे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो तुरंत आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। हाँ, ये रोलर है, ये डबल ड्रम का रोलर है, डबल ड्रम। इसका हेड गैसकेट जल गया था तो प्रॉब्लम हो रहा था, इसका पानी रिटर्न बिक रहा था ऊपर से। और ये आपका हीटर है, ये हीटर है इसका, ठंडे के टाइम में काम में आता है ये। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।